नमस्कार फ्रेंड्स, कविता किचन में आपका स्वागत है। हर तरह की पनीर बनाते ही हैं। आज मन कर रहा है कि कुछ हल्का फुल्का बना लिया जाए, तवे पे ही बना लेते हैं। तवे पे नहीं बन पाएगा तो पैन में बना लेंगे, लेकिन मन कर रहा है तवा पनीर बनाने का, तो चलिए आज बनाते हैं तवा पनीर। जिसके लिए बस चाहिए कुछ थोड़ा सा ही, यदि आप पे लाल शिमला मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं तो मैं हरी से ही काम चला लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ तवा पनीर। ये कुछ है, लहसुन की कलियां हैं, थोड़ा अदरक है, प्याज है, दो टमाटर हैं। चलिए कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं हम तवा पनीर। ना बटर मसाला ना शाही पनीर, ये सब थोड़ा सा बॉईल करेंगे। एक रफली सा वो बनाएंगे इसकी ग्रेवी, इसको बॉईल करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा मसाला डालेंगे इसमें, हल्का सा नमक, थोड़ा सा जीरा, एक दो बड़ी इलायची, दो चार का लौंग और काली मिर्च, और डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देते हैं। चलिए और इसे कर लेते हैं हम ज़रा बॉईल। एक विसिल आने तक इसे बॉईल करेंगे, फिर इसको छानेंगे, तो जो इसमें थोड़ा मोटा पार्ट होगा किसी भी चीज़ का तो वो छन जाएगा, हमारी प्यूरी बहुत अच्छे से बन जाएगी। इसको ग्राइंड कर लेते हैं ग्रेवी को इस तरह से। ये देखिए, ये सब आ गया ना इसमें, और ये स्मूथ प्यूरी तैयार हो गई बनके। पनीर के ऐसे अच्छे से डाइस काट लीजिए, हल्का सा नमक डाल दीजिए बस, काफ़ी मोटे हैं ये देखिए। इस तरह से आपको और ज़्यादा बनाना है तो और बना लीजिए, लेकिन इतने काफ़ी हैं। ये बना रहे हैं हम तवा पनीर। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे दो चम्मच ऑयल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, और ये है थोड़ा सा लहसुन। रेस्टोरेंट स्टाइल ऐसे ही बनता है। यदि आपको, आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं इस पैन में भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं इस तवे पे ही बना रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम बटर, और ये बटर हमारा जलेगा नहीं, ये वाइट बटर है। ऑयल डालने का यही फ़ायदा है, बटर जलता नहीं है। अब इसमें आप प्याज भून सकते हैं, जो आपने रफली बारीक प्याज काट करके इसे भून लीजिए। प्याज आपकी जलनी नहीं चाहिए, थोड़ा गैस कम कर लेते हैं। और इसमें डालते हैं हम अपनी ये शिमला मिर्च, आपके पास लाल और पीली भी हो तो वो भी डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा सुंदर देते हैं। इसमें डालेंगे आप जनरल से मसाले, थोड़ी देगी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला। आप थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। कोई भी तवा सब्जी बनाने में क्या होता है, थोड़ी सी क्रंचीनेस रहनी चाहिए, क्योंकि इसे हम पूरा तो गलाना नहीं है, हमें तवे पे बनानी है। जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल होती है, झटपट बनती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलाई नहीं जाती, तो ये शिमला मिर्च भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अब इस पे हम डालेंगे ये पनीर के डाइस, थोड़ा सा इसमें मसाले को रखने दीजिए। अल्टा पलटी करके अलटिए पलटिए, ऊपर उठाइए नीचे करिए पनीर को। हम इस तवे पे क्या क्या सब्जी नहीं बना लेते। मैं सूखी अरवी भी इसलिए बनाती हूँ, कितनी बार मैं सूखे आलू भी इसलिए बना लेती हूँ। तवे पे तो मैं बहुत कुछ काम करती हूँ, बच्चों ने कुछ भी मांगा फटाफट तवा गर्म है तो उसी में बन जाता है। तो आज हमारा बन रहा है तवा पनीर। चलिए इसको चारों तरफ ऐसे करते हैं, और बीच में डालते हैं हम इसकी ग्रेवी जो हमने इसके लिए तैयार कर रखी है। इसमें डालेंगे हम इस ग्रेवी को, जितने में हमारे पनीर हमारा लिपट जाए।
थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नींबू, देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। चलिए थोड़ा सा बटर और डालेंगे, थोड़ा डालेंगे हरा धनिया, ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है तवा पनीर, रेस्टोरेंट स्टाइल तवा पनीर बन के तैयार है। देखो फ्रेंड्स, झटपट बनने वाली रेसिपी तवा पनीर। अब आप इसको नान से खाइए या चपाती से खाइए या रुमाली रोटी से खाइए, जिस मर्जी से खाइए। इस पे थोड़ी सी डालेंगे हम मलाई, ये लीजिए तवा पनीर बनके तैयार हो गया, बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बनाना है तो तवे पे बना लीजिए, ज़्यादा बनाना है तो आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। Thank you. Bye-bye.